हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी वॉच वेबसाइट का पार्ट थ्री है। पार्ट वन के अंदर जो है हमने यहाँ पे हमारा ये सेक्शन बनाया था। पार्ट टू के अंदर हमने आवर वॉचेस वाला सेक्शन, एंड पार्ट थ्री के अंदर हमने अबाउट अस अबाउट शॉप, और उसके बाद जो यहाँ पे हमने टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाया था। आज जो है हमारा पार्ट थ्री है, और पार्ट थ्री के अंदर जो है हम अपना जो है एक गेट इन टच का सेक्शन, और देन यहाँ पे अपना फुटर बनाएंगे। गेट इन टच मतलब यहाँ पे हम अपना कंटेक्ट अस वाला सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो मैं एक गेट इन टच के नाम से यहाँ पे एक बनाऊँगा अपनी डेप, और उसके बाद जो यहाँ पे एक हमारी हेडिंग हेडिंग रहेगी, ठीक है। और हेडिंग के अंदर जो है हमारे पास ये हमारा रहेगा गेट इन टच, ओके। यानी ये जो हमने ऊपर हमने जो एक सेक्शन बनाया था ना, तो इसके अंदर का जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो किसी भी ये जो है वो ऊपर हमने एक एचआर का यूज़ हमने किया था, अगर आपको याद हो कि उसने बड़ी प्रॉब्लम की थी। तो ये हमारे रही हमारी हेडिंग वाली से ये वाली। तो इसको है मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ से भी कर लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ना इसको जो है यहाँ से यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर फोर रहेगा, और फोर रहेगा, आ नहीं रहेगा, फोर रहेगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लिखेंगे गेट इन टच, टी ओ यू सी एच, टच रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक सेक्शन रहेगा। तो आई थिंक सो कि ये एक डिव जो है ना गेट इन टच वाली वो रहती है अभी। ये जो हमने एक डिव हम ये जो ये रही हमारी गेट इन टच की एक डिव आ गई। और उसके बाद जो यहाँ पे हम अपने इनपुट सेक्शन इनपुट फील्ड वगैरह बना लेंगे। यहाँ पे होगी हमारे पास इनपुट, देन यहाँ पे होगा हमारा कंटेनर। कंटेनर के स्पेलिंग तो गलत ही होगी सारे, कंटेनर, ओके। और उसके बाद जो हमारे पास होगी डॉट लेफ्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पे होगा हमारा पैनल, वो जो हम ऊपर बनाते रहे हैं ना वही होगा हमारे पास डेप। एंड देन डेप के अंदर जो हमारे पास एक हमारी क्लास रहेगी लेफ्ट पैनल के नाम से, और उसको यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये रही ये इनपुट कंटेनर, एंड देन यहाँ पे जो है हमारा लेफ्ट कंटेनर रहेगा। और इसके अंदर जो हमारे पास एक है इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगी, देन यहाँ पे एक प्लेस होल्डर रहेगा हमारे पास यूर के स्पेलिंग गलत हो गई नेम के। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक यूर नेम हो गया, देन यूर नंबर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे यूर मेल हो गया, ओके। एंड यहाँ पे जो है टेक्स्ट है या फिर नंबर, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमारे पास ईमेल रहेगी, और उसके बाद जो है लेफ्ट पैनल है। तो उसके बाद यहाँ पे एक बटन जो है, ये बटन जो ऑलरेडी हमने बनाया था अपने पहले वीडियो के अंदर सेट के नाम से, ओके। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो ये बटन बन के आ गई, ठीक है। तो ये आ गया, ये हो गया, हैगा ये पंजाबी आ गई थोड़ी सी इसके अंदर। तो ये इस डिव के बाहर चलेंगे, और अपने जो है ना यहाँ पे इनपुट कंटेनर है, इसके जो है ना हमारे पास एक लेफ़्ट कंटेनर है, और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास एक राइट कंटेनर है, ठीक है। लेफ्ट है एंड देन राइट है। लेफ्ट के बाहर यहाँ पे इनपुट कंटेनर के यहाँ पे आएगा हमारे पास डिव, बनाऊँगा मैं यहाँ पे क्लास लगा दूँगा एक, ये हमारे पास क्लास रहेगी राइट पैनल की, ओके। यहाँ पे इसको ऑफ करूँगा यहाँ से, और उसके बाद जो यहाँ पे एक इमेज रहेगी हमारे पास, इमेजेस के अंदर जो है हमारे पास एक है मैप, और यहाँ पे मैप इमेज है हमारे पास डॉट पी एन जी, ओके। और यहाँ पे मैप इमेज आ गई होगी एक, ये देख लो ये हमारे पास एक इमेज भी आ गई। तो चलेंगे अपनी सी एस एस के अंदर। तो सी एस एस के अंदर सबसे पहले तो अपने गेट इन टच को ही हम यहाँ से उठाऊँगा मैं यहाँ से, ठीक है। पिछली बार एक एच आर की वजह से सारी प्रॉब्लम होती रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा गेट इन टच रहेगा, ओके। और गेट इन टच के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले तो कलर है हमारे पास वाइट रहेगा, और उसके बाद जो है एक फॉन्ट फैमिली है वो देखूँगा मैं ऊपर से कहाँ से आएगी कहाँ से आएगी। यहाँ पे ऊपर मैंने दी थी ये रही हमारी फॉन्ट फैमिली, तो इसको मैं यहाँ पर ला के ये रही हमारी यहाँ पर मैंने फॉन्ट फैमिली भी लगा दी। और उसके बाद जो हमारा इनपुट कंटेनर था यहाँ पे जिस वक्त ये हमारा इनपुट कंटेनर है, तो इनपुट कंटेनर के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे इनपुट कंटेनर रहेगा, और
ये जो है हमारे पास ये आ गया, और इनपुट कंटेनर को जो है डिस्प्ले करेंगे इसका ग्रेड, ठीक है। और देन इसका प्लेस आइटम्स सेंटर, और उसके बाद जो यहाँ पे इसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है उसको करेंगे 1 FR, देन 2 FR, और उसके बाद जो है इसकी पैडिंग इनलाइन कर देंगे, 6% की, परसेंट क्यों गया, परसेंट 5 के ऊपर, ओके। देन इसके अंदर जो गैप है वो 2 RM का रहेगा। तो वो लुक ये आ गया हमारे पास, हमारे जो इसको इसने 2 FR के हिसाब से ले लिया। उसके बाद जो लेफ्ट का है अपना, हमारा लेफ्ट पैनल है, उसके अंदर हमारे इनपुट हैं। ये रहा हमारा लेफ्ट पैनल के अंदर हमारे इनपुट वगैरह है, इनको जो है यहाँ पे डॉट जो हमारे पास इनपुट कंटेनर के अंदर हमारा लेफ्ट पैनल के अंदर हमारी जो इनपुट है इसकी जो विथ है वो 25 RM, इसकी हाइट 4 RM, इसकी पैडिंग 1.5 RM, इसके मार्जिन ब्लॉक एंड जो है 1.5 RM, देन बॉर्डर रेडियस 2 RM, एंड देन बॉर्डर ये हो गया हमारे पास, बॉर्डर नन कर दो, आउटलाइन नन कर दो, एंड तो ये देखो अभी तो ये कुछ इस तरह का देख रहा है, ये देख लें ये बिल्कुल एज इट इज़ बन गया ना। बस ये इमेज है, ये इसको थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पे जो है अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे जो है ना एक आई थिंक सो मैंने एक मिसिंग कर दी, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए था, वो मैंने टेक्स्ट एरिया नहीं डाला इसके अंदर, तो है ना, तो टेक्स्ट एरिया भी डालेंगे, कोई ऐसी बात है नहीं कि टेक्स्ट एरिया नहीं डालेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया हमारे पास, तो ये देखो ये टेक्स्ट एरिया, तो इसको भी कंट्रोल कर लेंगे अपनी CSS के थ्रू। देन यहाँ पे जो है ना इसके जो प्लेस होल्डर है, देन इनपुट, इनपुट कंटेनर के अंदर हमारा लेफ्ट पैनल के अंदर हमारे इनपुट के अंदर जो हमारा प्लेस होल्डर जो है, प्लेस होल्डर ये हमारा प्लेस होल्डर है ना, तो इसका जो कलर है वो हमारे पास रहेगा #8F8F8F, ओके। देन इसका जो फॉन्ट साइज जो है 1 RM का रहेगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये देखो ये हो गया सही। और उसके बाद जो है इनपुट कंटेनर के अंदर हमारा डॉट, इनपुट कंटेनर के अंदर हमारा लेफ्ट पैनल के अंदर हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसको कर लेके आएंगे, विथ इसकी भी रहेगी 25 RM, हाइट इसकी रहेगी 6 RM की, और उसके बाद जो है पैडिंग 1.5 RM की, एंड देन मार्जिन ब्लॉक एंड जो है वो रहेगा 1 RM का, एंड देन उसके बाद बॉर्डर रेडियस 2 RM, और उसके बाद बॉर्डर इसका बॉर्डर नन कर दो, आउटलाइन नन कर दो, और उसके बाद जो है मार्जिन ब्लॉक एंड जो है 1.5 करो, ये 1 कम है, ये 1.5 लगा दो इस पर यहाँ, तो ये देखो ये यहाँ पे भी आ गया बन के। इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है वो अगर आप चाह डाला चाहो तो डाल दो, अदरवाइज ये ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी का जो सेम रहेगा, इसके अंदर का जो प्लेस होल्डर है उसको भी अगर चेंज करना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लेस होल्डर डाल रहा हूँ मैं, तो प्लेस होल्डर राइट हियर, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ से इसको मैं कॉपी किया, यहाँ पे ये आया, देन यहाँ पे जो है इसका प्लेस होल्डर जो है उसका जो कलर है वो ऊपर जो हमने दिया था वही रहेगा, ये वाला, एंड देन इसका जो फॉन्ट साइज है वो 1 RM ही रहेगा ऊपर वाले के हिसाब से। उसके बाद राइट पैनल के अंदर हमारे पास एक इमेज है, ये देखो ना, ये लेफ्ट पैनल जो है ये बिल्कुल रेडी होगा, ये श्रिंक होगा, ये देखो ये बड़ा छोटा होता रहेगा, अपने हिसाब से कर लेना। बस इसको मैंने एक जगह से फिलहाल अटका दिया है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे राइट पैनल रहेगा हमारे पास, राइट पैनल है, उसके अंदर हमारे पास एक IMG है, उसकी जो हाइट है वो 20 RM, एंड देन वेथ जो है उसको कर दो 50 RM। तनुक ये देख लो, ये इमेज है यहाँ पे आके सही होगी। और उसके बाद जो है ये हमारा ये गेट इन टच वाला सेक्शन हो गया कम्प्लीट। उसके बाद जो है चलेंगे वापस अपनी HTML के अंदर, तो इसके अंदर जो हमारे पास अब फुटर है, तो फुटर बनाएंगे, चलेंगे ये यहाँ से बाहर चलेंगे, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल यहाँ से
कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, फॉर्मेट विथ नहीं, फॉर्मेट फॉर्मेट विथ एचटीएमएल फीचर के साथ कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास गेट इन टच वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पे एक फुटर बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फुटर आएगा हमारा, फुटर के अंदर हमारे पास सबसे पहले H1 आएगा, तो हमारे पास फॉलो नाउ। और उसके बाद एक आइकन के लिए एक मैं बना लूँगा अपनी डेव, ठीक है, आइकन्स। और आइकन्स के बाद यहाँ पे एक IMG आएगा, इमेज डालेंगे हम आइकन्स की जगह, यहाँ पे हमारी इमेज आएगी। इमेजेस के अंदर जो है हमारे पास, ये क्या हुआ, इमेजेस नहीं आ रही, कहाँ गई हमारी इमेजेस। इमेजेस के अंदर हमारे पास FB आइकन आएगा, सेम ये चार बार चार पांच बार कॉपी करो। FB के बाद यहाँ पे ट्विटर का आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे उसके बाद जो ट्विटर के बाद यहाँ पे लिंकडिन का आएगा, ओके। देन उसके बाद जो यहाँ पे इंस्टा का आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ एंड के ऊपर यूट्यूब का भी आ जाएगा, ओके। ये हमारे पास पांच आइकन आ गए, ठीक है। आइकन्स, ओके, ये है। और उसके बाद एक एड्रेस डालेंगे, एड्रेस का टैग लगा दिया इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे एक डेव डॉट लोकेशन के नाम से बनाएंगे एक डेव, इसके अंदर एक इमेज डालेंगे। उसके अंदर जो है यहाँ पे आ गई इमेजेस के अंदर जो है सबसे पहले मैप आइकन आएगा, मैप आइकन डाल दिया मैंने, ओके। और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जो है एक पी डाल देंगे लोकेशन के नाम से, लोकेशंस, लोकेशन या लोकेशंस अपने हिसाब से देख ले बस, ठीक है। जैसे भी हो, एट दी एंड काम ही मैटर करता है कैसे किया है। ये हम DSC नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, यहाँ पे जस्ट हम अपने बिगिनर लेवल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल आइकन आएगा मैप के बाद, यहाँ पे मेल आइकन आ गया, ओके। यहाँ पे आई थिंक हाँ आ गया मेल आइकन, यहाँ पे आ गया, ये देख। और इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास मेल आइकन के बाद यहाँ पे पी के अंदर जो है यहाँ पे आप कुछ डमी @gmail.com डाल दो कुछ भी। और उसके बाद एंड के अंदर जो हमारे पास एक कॉल आएगी, कॉल इसको आएगी नहीं, वैसे इमेज कॉल आइकन डाल देंगे इधर, यहाँ पे कॉल आइकन डाल दिया, ओके, ये आ गया। और उसके बाद जो लोकेशन इसके बाद सेम ही रहेगी, एड्रेस के बाहर यहाँ पे चले जाएंगे, फुटर के अंदर ही रहेंगे लेकिन जाएंगे एड्रेस के बाहर। और यहाँ पे जो है फुटर डॉट फुटर बनाएंगे, फुटर टेक्स्ट वो आएगा इसके अंदर जो है 242, एंड देन यहाँ पे ऑल राइट्स RIGST राइट रिजर्व्ड, ठीक है। ये हमारा फुटर है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर दिखाऊँ अभी कुछ आएगा नहीं, आइकन्स वगैरह ये होंगे, ये देख लो अभी आ गए यहाँ पे, ये आए ये रेंड। उसके बाद जो है फुटर के अंदर चलेंगे, फुटर आएगा हमारे पास सबसे पहले। तो फुटर के लिए यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट फैमिली लगाई थी, फ़ॉन्ट फैमिली कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, कहाँ है, कहाँ है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली जो अभी लगाई थी, तो ये यहाँ पे है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली, इसको मैंने कॉपी कर लिया जैसे। और उसके बाद जो सबसे पहले तो फुटर के अंदर जो है ना ये फ़ॉन्ट फैमिली चिपका दूँगा मैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है वो लगा देंगे, उसका URL डाल दूँगा मैं इधर। और इमेजेस के अंदर फुटर BG आ गया, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड पोजिशन जो है वो आ गई हमारे पास सेंटर के अंदर, एंड देन बैकग्राउंड साइज जो है उसको किया कवर, एंड बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नो रिपीट किया, एंड देन विथ जो है उसको 100% किया, एंड देन हाइट जो है उसको ऑटो किया। और उसके बाद मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट जो है उसको 10 RM किया, एंड देन उसके बाद इसका डिस्प्ले है उसको किया फ्लैक्स, देन लाइन आइटम्स जो है इनको किया सेंटर, जस्टिफाई कर 10 पे सेंटर किया, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। और उसके बाद गैप जो है वो 2 RM करेगा। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, इसको कंट्रोल करेंगे। ये अभी बहुत बड़ी है इमेज, बड़ी भी है लेकिन ये ठीक भी है, बहुत बड़ी भी नहीं, ठीक है। ये यहीं पे इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये ऐसा दिख रहा है, ये देखो। अभी जो फुटर के अंदर हमारा H1 है, हमारे जो है उसको देखेंगे, फुटर के अंदर H1 है। और H1 के लिए जो है हमारे पास मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट रहेगा 3 RM का, तो ऊपर से थोड़ा सा खिसक के नीचे आएगा, तो ये देख लो ये आगे थोड़ा नीचे आया। और उसके बाद जो है
हमारे पास आइकन्स थे, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो है हमारे पास आइकन्स थे, एड्रेस था, लोकेशन था, इन सब को ना ये एक ही उसके अंदर डाल देंगे। कॉपी नहीं हो रहा, आ गया हमारे पास आइकन आ गया सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे जो है एड्रेस आ गया, देन उसके बाद जो है हमारे पास लोकेशन आएगा ये वाला, ओके हमारे पास डॉट लोकेशन आ गई, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे पास मेल भी आ गई, वो मेल आ गई इधर यहाँ पे, ये आ गई मेल, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारे मेल के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास कॉल आएगी, ठीक है, लुक एट दिस कॉल, एंड यहाँ पे इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड देन गैप टू आ रही है। तो ये देख लें, ये बन के यहाँ पे रेडी हो गया हमारा फुटर। तो ये देख लो ये वीडियो, इसके अंदर जो हमने हमारा गेट इन टच और फुटर बनाया, और इससे ये देख लो हमारे टोटल जो वेबसाइट है जो हमारा पार्ट 1, 2, 3, तो इसके अंदर ये हमने टोटल बनाया था, इसके दोनों पार्ट पहले अवेलेबल होंगे, ये देन तीसरा आएगा। तो ये देख लो ये हमने इधर बना लिया, तो इसका कोड जो है मेरे गेटअप के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इसको मैं पार्ट के अंदर और वन शॉट दोनों के अंदर डाल दूंगा, ओके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।